Hello, Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. Yay! मैं आप सब लोगों के लिए एक और न्यू हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ आज, और जो दो मिनट में बन जाएगा बहुत ईजी है. लेकिन मसला ये है कि उसका नाम क्या है वो मुझे नहीं पता. वो आप सब लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में जाकर कि इस हेयर स्टाइल को क्या बोलते हैं. बट मुझे बनाना आता है और बहुत अच्छा हेयर स्टाइल है, बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है. तो आप लोगों को मैं बना के दिखाती हूँ. ओके, सो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस तरह से पार्टीशन कर लेना है, और जिस तरह वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा मैंने किया है. एक्चुअली ये वाला जो हेयर स्टाइल है ये बेसिकली टेल कोम से बनता है, लेकिन वो इस वक्त मेरा मिस हो चुका है, पता नहीं कहाँ है. सो मैं अपने नॉर्मल कोम से बना रही हूँ. तो मैंने सिर्फ किया क्या है कि जिसे हम बोलते हैं एक मांग सी निकाली, ठीक है, साइड से, और इस तरह से मैंने थोड़े से बाल लेकर पीछे से इसे मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया एंड थोड़ा सा इसको आगे कर दूंगी मैं, जैसे कि यू नो लाइट सा छोटा सा रोल टाइप का हो जाता है, उस टाइप का करके, एंड देन मैंने इसको पिन से सिक्योर कर लिया. एंड सेकेंड इसी तरह से मैं करूँगी इसको. सेम मैंने बाल लिए, जितने आपको आगे से यू नो लेने हैं बाल, आप चाहें तो इसका पतला पतला भी यू नो लाइक छोटे छोटे बाल लेकर कम वाला भी ट्विस्ट एंड टर्न करके आप इसको रोल कर सकती हैं, जैसा आपको ठीक लगे. यू नो अगर किसी के बालों का टेक्सचर बहुत लाइट है, ठीक है, और जैसे जगह जगह से यू नो ब्रेकआउट्स हो रहे होते हैं, जैसे बोलते हैं ऐसे गंजपन टाइप, अगर तो मज़े की बात है, उसके लिए तो ये हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा है. आई एम सॉरी, उसलिए तो ये हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा है, बिकॉज इससे उनके बालों में आगे वॉल्यूम लगेगा एंड वो सारे ब्रेक्स भी कवर हो सकते हैं. सो यस, फिर से मैंने इसको पिन से सिक्योर कर दिया है. बाकी के जो मेरे लास्ट के बाल हैं इसको भी मैं ट्विस्ट कर रही हूँ, एंड ट्विस्ट करके मैं इसे ऊपर की तरफ टर्न कर दूँगी एंड इसको भी मैं पिन से सिक्योर कर दूँगी. यस, मुझे लगता है पिन नहीं मेरी खुल पा रही है, खुल गई गई लगा दिया. ओके, सो इसको मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है एंड बाकी इस साइड पर भी हम ऐसे ही करेंगे. सो एक्चुअली आप लोग को दिख रहा होगा एक मांग सी निकली हुई राइट पे, जो मैंने निकाली थी. वो एक्चुअली मैं ना भी निकालूं तो निकल जाती है, बिकॉज काफ़ी अर्से से मैं बन बना रही हूँ एंड डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइलिंग करती हूँ, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि वो एक प्रोमिनेंट टाइप यू नो नज़र आ रही होती है, या मैं कोई भी हेयर स्टाइल करूँ वो खुद ही निकल जाती है. सो ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग करते हैं और एक ही बाल बहुत टाइम तक एक ही हेयर स्टाइल को कैरी करते हैं, उनके साथ ये ज़रूर होता है. अगर आप लोग के साथ भी होता है तो आप मुझे बताइएगा, उसके लिए मेरे पास एक टिप है, वो मैं आप लोग से शेयर करूँगी इंशाल्लाह. ओके, सो ये जो पीछे के जितने भी बाल हैं आपने क्या करना है, इनको लेकर आप चाहें तो पोनीटेल भी बना सकते हैं एंड चाहें तो आप इसका बर्न भी बना सकते हैं. एंड ये मैं आपको बना के दिखा देती हूँ. चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें. इसके साथ साथ काफ़ी मैंने कमेंट्स आप लोगों के देखे, जिसमें लोगों ने पूछा है कि मैं बेस कौन सा यूज़ करती हूँ या मेकअप वगैरह के बारे में. सो इंशाल्लाह उसमें मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊँगी जैसे मुझे टाइम मिलता है. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. प्लीज़ मुझे इस हेयर स्टाइल का नाम ज़रूर बताइएगा कि इस हेयर स्टाइल को क्या बोलते हैं कॉमेंट्स में.